आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एफसेक के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में 14 अगस्त को आधिकारिक दिवस पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से परिषद पदाधिकारियों ने सरकार से कर्मचारियों की हित में कई मांगे की। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अधिकार दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में इफसेफ के आह्वान पर मनाया जा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इफसेफ का एक मुख्य घटक होने के कारण यह कार्यक्रम जिला आगरा में भी सभी कार्यालयों में मनाया जा रहा है। कर्मचारियों के प्रति सरकार, कर्मचारी इतना कोरोना काल में अपने तन मन धन से कार्य कर रहा है, लेकिन सरकार उनके भत्तों में कटौती करती जा रही है। 7% या 3% जो भी महंगाई भत्ता लगता था वो हम लोगों का फ्री कर दिया गया है 2021 तक। तो हमारी सरकार से मांग है कि हम लोगों को जो हमारे भत्ते फ्री किए जा रहे हैं, ऐसे कोरोना काल में हम लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी प्रोत्साहित करने का काम करें सरकार। आज अधिकार दिवस के रूप में हम लोग कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरीके से एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में एक समान भत्ते इत्यादि होने चाहिए। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन और जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, कोई स्क्रीनिंग में, कोई आइसोलेशन वार्ड में लगा हुआ है, प्रोत्साहन भत्ता देने के बजाय प्रदेश और केंद्र की सरकार ने हमारे महंगाई भत्ते को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत को भी काट दिया है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो अपने बहाल किए जाएं, पुरानी पेंशन भी बहाल की जाए। हमारा जो एफसेफ के माध्यम से ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों का जो लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए जो अधिकार दिवस मनाया गया है, उसमें वेतन भत्तों और सभी भत्तों को लेके जो सरकार ने भत्ते ख़त्म करें उनको लेके ये दिया है प्रधानमंत्री जी को। सरकार की नींद जगाने के लिए कर्मचारियों को ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि जो ये समय कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी सभी रातों दिन एक कर रहे हैं, समय नहीं देख रहे, उसके बावजूद भत्तों को ख़त्म किया जा रहा है और भी जो अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, वो सही नहीं है। इसको लेके शांतिपूर्ण तरीके से हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस सब के माध्यम से अपना जो मांग है, मांग पत्र प्रधानमंत्री जी को दिया है और उनसे आशा करते हैं इन पर विचार करके उनकी समस्याओं का समाधान करें।